हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू द बेस में। मैं मनदीप बिसला, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ ने वेक्टर फॉर्म के बारे में, आज उससे आगे चलते हैं। उससे आगे है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन से एक बात याद आती है। जब हमने 10+2 पास की तो एक क्रेज था पॉलिटेक्निक का, मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया तो एक मुझे मिला हमारा सीनियर, उसने कहा कि मैं तुम्हारा सुपर सीनियर हूँ। तब तक मुझे इस सुपर शब्द के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सुपर सीनियर, मैंने उसको बोला कि भाई सीनियर तो सुना है, ये सुपर सीनियर क्या है? तो उसने कहा कि मैं तेरा सीनियर का सीनियर हूँ, यानी थर्ड ईयर। तो उसी तरह सुपर पोजिशन, यानी कि पोजिशन के ऊपर भी एक पोजिशन है जिसको हम नाम दे देते हैं सुपर पोजिशन। जैसे एक चार्ज है हमारे पास क्यू नोट, अब एक चार्ज है क्यू वन जो कितनी दूरी पर है, जिसका पोजिशन वेक्टर है आर वन। दूसरा चार्ज है क्यू टू जिसका पोजिशन वेक्टर है आर टू। इसी तरह से मल्टीपल चार्जेज हैं क्यू थ्री आर थ्री, कहाँ तक चलेंगे, क्यू एन तक, पोजिशन वेक्टर आर एन। ये सारे चार्जेज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू एन सभी मिलकर किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्यू नोट के ऊपर। तो क्यू नोट के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, वो फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बताया। इसने कहा कि जो फोर्स होगा नोट के ऊपर टोटल, वो होगा फोर्स नोट के ऊपर पहले की वजह से, फोर्स नोट के ऊपर दूसरे की वजह से, इसी तरह चलते जाओ फोर्स नोट के ऊपर एन चार्ज की वजह से। और सबका क्या होगा, वेक्टर सम। सबका क्या होगा, वेक्टर सम, कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। इससे आगे कि अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें, तो अभी हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ के आए हैं। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था एफ नोट वन की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू नोट क्यू वन डिवाइड बाई आर वन नोट वेक्टर मॉडुलस का क्यू आर वन नोट वेक्टर। ये हमने इक्वेशन नंबर वन पढ़ी थी। अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। प्लस नोट टू के एक चार्ज है क्यू नोट एक चार्ज है क्यू टू डिवाइड बाई आर टू नोट इसका क्यू आर टू नोट वेक्टर। और इसी तरह चलते रहेंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, ये एन तक, यानी कि के क्यू नोट क्यू एन आर एन नोट वेक्टर मॉडुलस मॉडुलस का क्यूब आर एन नोट वेक्टर। इस सब में देखिए कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन हमारे पास आ रहा है के क्यू नोट, बाकी कुछ भी कॉमन है ही नहीं, सभी अलग अलग है। देखिए इसमें के क्यू नोट के क्यू नोट के क्यू नोट एन तक जाएगा, तो जो बाकी बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। क्या बच गया भाई हमारे पास, क्यू वन आर वन नोट क्यूब है आर वन नोट वेक्टर, क्यू टू आर टू नोट वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब है आर टू नोट वेक्टर है। और इसी तरह क्यू एन कहाँ तक सम है, एन तक आर एन नोट क्यूब आर एन नोट वेक्टर, ब्रैकेट बंद। हर जगह देखिए वन है टू है एन है, तो इस सब को हम छोटी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, के क्यू नोट, बाकी सब का समेशन
क्यू वन टू थ्री इस तरह जा रहा है, आर वन नोट टू नोट थ्री नोट इस तरह से चल रहा है, आई नोट, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ, वन से लेकर आई की वैल्यू एन तक, ये क्या होगा हमारे पास टोटल फोर्स, और ये होगा हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही खत्म होता है। इससे अगला जो टॉपिक है, और हम कह सकते हैं कि जो चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं पहली यूनिट के पहले पार्ट में, उसका लास्ट टॉपिक अगला, उस टॉपिक का नाम है, ये मैं रब कर देता हूँ, उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो कुछ भी है उस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर, वो सब कुछ टॉपिक के नाम के अंदर है भाई। नाम हम पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, चार्ज का मतलब चार्ज का, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बटना, यानी कि चार्ज का लगातार एक जगह पर बट जाना, वो क्या है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बटेगा तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो क्लोजली स्पेस्ड होगा भाई एक दूसरे से, कि चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आता जाएगा, और उसको हम क्या नाम देते जाएंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है ये तीन टाइप का होता है भाई, पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे नंबर पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए पहले हम लीनियर के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर, लीनियर में एक शब्द है लाइन, यानी कि एक चार्ज का बट जाना किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर, उसको हम नाम देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। अब अगर लेंथ के ऊपर हमारा चार्ज बट रहा है, तो डेंसिटी इनटू लेंथ क्या होगी, वो होगी टोटल चार्ज के इक्वल। और जो हमारे फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू क्यू वन क्यू टू, एक चार्ज हमारे पास क्या है लैम्डा इनटू एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि अगर लाइन है, लाइन हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग हो तब क्या करोगे, तब तो एल का पता ही नहीं है। फिर एक काम करो, हम इसी को लिख सकते हैं के क्यू इंटीग्रेशन लैम्डा इनटू डीएल डिवाइड बाई आर स्क्वायर फोर्स की वैल्यू। यहां तक क्लियर है? चलिए सरफेस चार्ज की डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। एक गोला है हमारे पास स्फीयर, स्फीयर अंदर से खाली, उसके पास सिर्फ सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के ऊपर किसी चार्ज का बट जाना क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक हमारे पास टर्म आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, यानी कि जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। हम जो फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये क्या होगा हमारे पास के क्यू इंटीग्रेशन, दूसरा चार्ज कितना है हमारे पास सिग्मा, और इंटीग्रेशन का साइन लिया है तो छोटा एरिया ले लीजिए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हमारा स्फीयर सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, तो उसके पास क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के ऊपर चार्ज का बट जाना डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहां पर पढ़ेंगे
वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं रो के साथ। और हमारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, फिर चार्ज होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, के क्यू इंटीग्रेशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिंपल सी बातें हैं। अब ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ एक टर्म है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिनको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, सिग्मा के साथ, रो के साथ। ये जो सिंबल हैं इनके, ये पूरे सिलेबस के अंदर कहीं भी चेंज नहीं होंगे। अगर हम कहीं ले रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी तो उसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा के साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा के साथ, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो के साथ। तो आज पहली यूनिट का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई कमी लगी हो तो नीचे कमेंट करें।